हाँ, पर युवान की मम्मा का तारा कहाँ है? युवान, हाँ? वो देखो, वो तारा दिख रहा है, वो तारा थारी को देख के चमक रहा है। हाँ। वो तारा ना, हाँ? थारी मम्मा का है। युवान की मम्मा का? हाँ। मम्मा, 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 युवान। मम्मा, सॉरी मम्मा, मैं दोबारा कभी आपकी मम्मी से छोड़ूंगा मम्मा, सच्ची मम्मा, प्लीज युवान को माफ कर दो ना मम्मा। ये देखो ना, मैंने अपने सॉरी सॉरी का कार्ड बनाया, आपके आपके फेवरेट वाले फूल भी लाए मम्मा, और वो मैं मिठाई भी लाई है आपकी, आपकी पसंदीदा मिठाई लाई है मम्मा, खीर लाई है युवान ने आपके लिए मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा, कोई तो इशारा दे दो कि आपने ना युवान को माफ कर दिया मम्मा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो ना। आपके लिए वायलिन पे वो स्पेशल धुन बजाएगा जो आपको पसंद है ना, वो बजाऊंगा, और फिर ना प्लीज युवान को माफ कर देना, कोई इशारा कर देना कि आपने युवान को माफ कर दिया। ठीक है। उसने तो उड़बड़ा कर दे और पास ले आया उसके इसे। उसे काले वाले गुब्बारे है ना, वो भी फेंक ले। युवान, युवान आंखें खोलो, युवान आंखें खोलो, देखो। इशारा इशारा इशारा, युवान की मम्मा का इशारा, बन्नी तो ना युवान की मम्मा का इशारा, आपने युवान को माफ कर दिया मम्मा, सच्ची बदतमीज मम्मा, मम्मा ने सॉरी मान ली युवान की, ये उनका इशारा है। हे शंभू जी, मेरे को माफ करना, ना चाहते हुए भी इस झूठ का हिस्सा बन गई मैं। मैं अभी आऊं वापस। हैं युवान, दादू, मम्मा ने ना युवान को माफ कर दिया, मम्मा वाले गोल्डन बलून, मम्मा ने माफ कर दिया, ऐसे ऐसे उनका कारण दादू, ऐसे 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 टिमटिमाया था और ऐसे मेरे पास आया सच्ची। ये मम्मा वाले गोल्डन बलून। दादू, युवान ने ना मम्मा के लिए एक और धुन तैयार की है, उनको उनको सुना दूं। मम्मा, एक और स्पेशल धुन आपके लिए, अच्छी लगी ना, ऐसे ऐसे इशारा दे देना, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। देवराज जी, सर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बस उनको 2 मिनट आपसे बात करनी है, बाहर ही है वो। पर दादा साहब, युवान को यहाँ अकेला छोड़ के? जी आप लोग युवान की चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। वैसे हम बाहर ही तो हैं, उनका शुक्रिया अदा करना तो बड़े ना भाई, देख भी लो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है दादा साहब, आ जाओ।
देवराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बुरे वक्त में हमारे पिताजी की बहुत मदद की थी। अच्छा, क्या नाम है आपके पिताजी का? वो जी देवीचंद नागौर वाले। आपने उस समय वो फैक्ट्री खुलवाई थी ना हमारी। देवचंद जी नागौर वाले। अरे ठीक से याद को नहीं आ रहा, इस उम्र में उम्र अंदाज का क्या वर्ष हो गई। अच्छा क्या रहा, आप मारे से कोई बात करना चाह रहे थे? हाँ, मैं वो बोलना चाह रहा था कि एक मिनट का फोन। हेलो। हाँ जी दादा साहब। हाँ। आप चिंता ना कर, मैं देख कर आऊँ। देख देख बेटा। मिल जाएगा ना तुझे तेरा किराया। अभी फोन मत कर। रख फोन। मैंने सुना है कि आप कोई टिफिन सर्विस चलाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है वो। आपने सुना है कि बन्नी चाव होम डिलीवरी के बारे में? जी हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं आपसे बात करने के लिए आया। एक्चुअली क्या आप हमारे यहाँ कुछ वर्कर हैं, उनके लिए टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं? वो ना कि कैंटीन का खाना खाते खाते उनका पेट खराब होता जा रहा, तो इसलिए। हमारा तो काम ही यही है। हाँ तो फिर कल आप आ जाइए ऑफिस में, आपको मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है सर। दादू सर, ये तो युवान की आवाज आ रही है। युवान युवान युवान। अरे दादू सर, ये दरवाजा तो खोल ना रहा। अरे भीतर से दरवाजा खोल दे। कोई है? अरे भाई जी, भाई जी कोई है? अटे भाई, अच्छा अटे 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 आओ। ये खोल ना रहा है। दरवाजा खोल दे भाई तू। अंदर से लॉक लगा है के? कि अंदर जो है उन्होंने ही दरवाजा बंद किया होगा। युवान को सांस लेने नहीं हुआ दादू। युवान 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 घबरा मत, हम लोग यहाँ बाहर ही है, दरवाजे के बाहर है। अब जल्दी से जल्दी दरवाजा खुलवा देंगे। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये अरे दादू सा, अरे अरे कोई है भैया? क्या जल्दी से पता करो। सर मैं कोशिश करता हूँ, किसी को लेकर जाओ। हाँ कोई 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 तो बचाओ, दीवार की सांस नहीं आ रही मम्मा। मंदिर बुलाएं दादू। युवान तो ठीक हो? युवान युवान की सांस लेने नहीं हो रहा। युवान हम बाहर हैं। तू चिंता न कर बेटा। एक्चुअली अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसकी वजह से डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अरे युवान, दादा सा अब तो युवान की आवाज भी ना आ रही। अरे युवान ठीक तो होगा ना? युवान युवान दादा सा, वो जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हॉल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। कहाँ से जाऊँ? यहाँ बटन से जाओ, ऊपर ऊपर की तरफ है बेटा। भाई जी इसे खोलो, अंदर से धुआं आ रहा इसलिए दरवाजा लॉक किया। आप यहाँ से जाइए प्लीज। तो कैसे जाऊँ? मेरा युवान वहाँ फंसा हुआ है, क्या करूँ? युवान बाहर में जाए, आपका ये बिजली वाला लॉक वॉक इस दरवाजे ने तो मैं तोड़ के रहूंगी। और दादू साहब आप ना तब तक फायर ब्रिगेड ने कॉल लगाइए। मैं अभी लगाऊंगा, अभी लगाऊंगा।
के चेहरे। अरे के? अरे मैडम रुकिए, ये डोर बहुत मजबूत है, इससे नहीं टूटेगा। भाई साहब हमारा पति अंदर, वो अंदर घुट रहा होगा, दरवाजा ना खुल रहा, धुआं निकल रहा है, भाई को कुछ तो करना होगा ना। आप पाछे हटो, आगे लाइट आ गई, मैं खुलता हूँ, मैं खुलता हूँ। आगे आगे खोली, खोलते खोलते दरवाजा खुल गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। नहीं, वो अंदर से इतना धुआं आ रहा था और फिर बाहर तो लाइट चली गई, हारे को कुछ हुआ तो नहीं ना? ए चला, बिल्कुल ठीक है इवान। इवान की मम्मा, इवान की मम्मा, दादू इवान की मम्मा ने वो इशारा दिया ना इवान की मम्मा ने कि उन्होंने माफ कर दिया इवान को। घर चलते हैं, अब घर चलते हैं, चलो। मम्मा, क्या वो युवान बनना, किसे ढूंढ रहे हैं? वो क्या हो गया, किसने ढूंढने आया भागा भागा? वो मैं किसी को नहीं दादू, किसी को नहीं है। मम्मा ना युवान किसे ढूंढ रहे हो, अरे को बताओ। वो बने तो नहीं हो, सीक्रेट है, युवान का सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता। मैं सीक्रेट, ये किस सीक्रेट की बात कर रहा है युवान? मम्मा ने तो माफ कर दिया ना युवान को, इशारा दे दिया कि माफ कर दिया, तो अब इस चंदन के ये हार की कोई जरूरत नहीं है, अब तो युवान की मम्मा युवान के साथ रहेंगी। चलो युवान, तुमने सुबह से कुछ खाया भी ना है, अभी खा लो, आओ और फिर बाद में बातें करेंगे। आओ युवान, चलो। ये देखो मैंने क्या बनाया, काजू कतली, केसरी जलेबी, केर सांगरी, मिस्सी रोटी, हरी फेवरेट युवान मीठी खीर, आलू री सब्जी, दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, सलाद, पूड़ी और हरी जूस। आओ ना, आओ बैठ के खाओ, जल्दी आओ। युवान मस्ती बाद में करना, देखो तुमने जो जो कहा था मैंने वो सब कुछ बनाया, अभी खाओ और खा के मुझे बताओ कि कैसा बना। पता नहीं दादू साहब, युवान सुबह से किसी अलग ही जोश में, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें ना किसी ने ढूंढ रही है। मैं अभी आऊं। युवान ये देखो मैंने थाली की बनाया है, युवान मीठी खीर, ये देखो थाली ले। We'll be right back.
मम्मा आपको कुछ दिखाने आया हूँ। बैठो बैठो। ये सारा खाना है ना, ये आपके लिए, और ये आपकी फेवरेट केसांगरी का साग आपको पसंद है ना मम्मा? ये पहला बाइट आपके लिए। इरफान अपना पहला बाइट उसी को खिलाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। टेस्टी है ना? बहुत। इरफान तुम भी खाओ ना, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। हाँ मम्मा, बहुत 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 भूख लगी है, पर वो आपके हाथ से खाना खाने वाली जो भूख होती है ना, वो वाली भूख लगी है। मम्मा आप अपने हाथ से खाना खिलाओ ना युवान को प्लीज। लेकिन युवान मैं कैसे, तुम तो बन्नी के हाथ से। मुझे आपके हाथ से खाना खाना है मम्मा, युवान को अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाना। एक मिनट एक मिनट, युवान आपके हाथ से खाना खाएगा? आपने इसे कुछ किया है के? कोई धमकी वमकी दी है के? युवान बताओ मुझे, मैं हूं ना, कुछ धमकी दी? नहीं बन्नी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, युवान से पूछ लो। युवान मैंने धमकाया या ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मम्मा, बन्नी मेरा मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम ऐसे क्यों कह रही हो, युवान को मम्मा के हाथ से खाना खाना है, मम्मा खिलाओ ना प्लीज। वो ये खाए तो हम खाए, खिलाओ ना। सॉरी युवान, थारे को खाने में टोका। सासू माँ जी आप युवान ने खाना खिलाइए। आज युवान ने ना मुझे नई मम्मा नहीं, सिर्फ मम्मा करके बोला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती बन्नी कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूं, और आज मैं युवान को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आज तक ना हुआ, वो अचानक कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दादू साहब, कुछ तो हुआ है, वरना अचानक युवान फंटू सी सासू माँ को नई मम्मा के बदले में मम्मा ना कहता। माँ शब्द युवान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।